इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हजरत टीपू सेना रिलीफ फाउंडेशन के जानिब से एक फ्री मेडिकल कैंप रखा गया था फकरी मिल्लत हॉल में कोतवाल गली में, और इसका मकसद यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आवाम की खिदमत कर सकें। और जैसे हमारे दूसरे भी इदारे काम कर रहे हैं, इकरा और मदीना रिलीफ फाउंडेशन और बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, तो मैं ये आज के जो एक प्रोग्राम के और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से मैं सभी ये नौजवान डॉक्टर टीमों का, डॉक्टर उबैद, डॉक्टर इरशाद, ऐसे बहुत सारे जो यंग डॉक्टर टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो आगे आए और पूरे एक नए आवाम की खिदमत करें। क्योंकि आज ये हो रहा है, देखा जा रहा है कि इलाज करोना वायरस की वजह से एक नए हॉस्पिटलों में एक नए इलाज नहीं हो रहा, और हमारे सिविल हॉस्पिटल में जाने के बाद में हमारे पास बहुत सारे शिकायतें आते रहते हैं कि वहाँ पे हर पेशेंट को पॉजिटिव करते रहते हैं और उसका प्रॉब्लम हो रहा है। और प्राइवेट जैसे एक नए KLEA और ऐसे बहुत सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ लाखों रुपए का इलाज हो रहा है, जो एक आम आदमी एक गरीब आदमी की वहाँ पर नहीं हो रहा। तो ये ऐसे मेडिकल कैंप्स के थ्रू और ऐसे इदारों के थ्रू जो खिदमत हो रही है वो बहुत अच्छा है। लेकिन इसी तरह मैं हमारे गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है कि आने वाले एक ICMR इंडियन मेडिकल काउंसिल के जानिब से एक रेगुलेटरी होना, ताकि एक नए मेडिकल के ऊपर जो बिल जो बन रही है प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटलों में जो बिल बन रही है लाखों रुपए में जा रही है, इसके ऊपर कुछ एक अंकुश लगना, एक कुछ एक रेगुलेटरी बॉडी बनना, ताकि एक नए एक आम आदमी को भी इसका फैज पहुंच सके और उसके एक नए वो शिफा हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। हम तमाम अलिकरा के मेम्बर्स आपके एजाज़ के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और हज़रत टीपू सेना रिलीफ फाउंडेशन बेलगाम की तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हमारे कामों को देखकर और हमारी सर्विस को देखकर जो हमको एजाज़ से नवाजा है, हम उनसे तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और तमाम उम्मतें और इंडिया बेलगाम वालों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें वो खिदमत का मौका फ्राहम किए हैं। इसके लिए हम जो सिलेंडर्स का जो मुहिम चलाए हैं, घर घर में जाकर सिलेंडर मुहैया कराना और जो पेशेंट्स को जहां एडमिशन हॉस्पिटलों में नहीं मिल रहा है उनको घर पर रखकर उनका ट्रीटमेंट करवाना, ये इकरा आज से नहीं करिए, तकरीबन 25 साल से हम इस काम को अंजाम दे रहे हैं। ये कोविड-19 का जो ऐसा पहला पेंडेमिक है जहाँ इससे भी हमने पीछे नहीं रहे, और हम पूरा पूरा कोशिश करके पेशेंटों के हेल्प करना, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना, और अगर ब्लड प्लाज्मा की ज़रूरत है तो उसका वो ब्लड प्लाज्मा मुहैया करवाना, और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम करेंगे। और हमें बेलगाम के लोगों और डोनर्स का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे डोनर्स भी आगे आकर हमें हेल्प किए हैं और बेलगाम के लोगों भी हमारे काम को सराहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं बेलगाम के तमाम जो NGOs हैं और जितने भी लोग हैं उनका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड वी अप्रिशिएट द वर्क विच दे आर डूइंग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है इनके कामों को कबूल अता फरमाए। एंड फ्रॉम द अलिकरा टीम वी थैंक ईच वन एंड ऑल हु हैज पार्टिसिपेट एज ए सोसाइटी एज इंडिविजुअल। वी सल्यूट दिस पीपल। थैंक यू वन एंड ऑल। अस्सलाम वालेकुम। शिफा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से लगभग 2007 से ये काम हम कर रहे हैं, इस काम को अंजाम दे रहे हैं, और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला हमें चुना और इस काम के लिए करने की तौफीक दी। और एजुकेशन और मेडिकल लाइन से हम अल्हम्दुलिल्लाह 2007 से काम कर रहे हैं, और कोविड में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत काम किया, और ऑक्सीजन जिस जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको ऑक्सीजन देना और उनकी ज़रूरत को पूरा करना, अल्हम्दुलिल्लाह
शिफा हर लाइन से इस काम के लिए तैयार है। हेलो, मैं डॉक्टर पद्मजा। आज हमारे सर यहाँ पे हम लोगों को बुलाए थे और ये कमिटी बहुत अच्छा कैंप था और यहाँ पे इन लोगों को हेल्प करने के लिए हमारा एक ही मोटिव था। ये स्क्रीनिंग कैंप है, जैसे कि हम SpO2 देखते हैं, BP देखते हैं, तो कोई भी चाहे कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी रोग हो तो पता चलता है। और मैं सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मास्क पहनो, हाथ धो, सिंपल साबुन से भी हाथ धो सकते हो और हमेशा अच्छा मेंटेन रहो। थैंक यू जी। ऐसे कैंप और ये अवेयरनेस कैंप, हेल्थ कैंप होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों तक अवेयरनेस पहुँच जाए कि कोविड से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोविड का ट्रीटमेंट निकल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, होम्योपैथी से भी बहुत क्योर हो रहे हैं। अल्टरनेटिव आपके पास बहुत हैं, अगर एलोपैथी में आप डर रहे हैं ट्रीटमेंट नहीं है बोले तो होम्योपैथी से भी बहुत कुछ क्योर हो रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अप्रोच कर सकते हैं, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।